हाँ जी देह का वस्त्र ये कपड़ा है, तो आत्मा है बेहद में, बेहद आत्मा का वस्त्र ये शरीर है। आत्मा परम धाम में नंगी है, वहां बाप की गोद में सब आत्माएं रहती है। जब इस सृष्टि पर आते हैं तो शरीर धारण करते हैं, तो शरीर क्या हो गया? कपड़ा हो गया। नया नया वस्त्र पहनते हैं तो धुला हुआ होता है कि गंदा मैला होता है? है धुला हुआ होता है। तो आत्मा है परम धाम से जो भी आती है, पहले पहले उनको जो वस्त्र मिलता है वो कैसा वस्त्र मिलता है? है पवित्र वस्त्र मिलता है। सतयुग त्रेता है ही पवित्र दुनिया, फिर द्वापर कलयुग है पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया में पुराने वस्त्र मिलते हैं। जो भी आत्माएं ऊपर से उतरेंगी, चाहे महान से महान आत्माएं क्यों न हो, ग्रेट फादर्स कहे जाने वाले क्यों न हो, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट भी क्यों न हो, उनको भी पतित शरीर मिलेगा या पावन शरीर मिलेगा? पतित शरीर मिलते। सबसे जास्ती पतित शरीर किसको मिलता है? शिव बाबा को। शिव बाबा भी इस दुनिया में आते हैं, हैं? पतित दुनिया में आते हैं कि पावन दुनिया में आते हैं? पतित दुनिया में आते हैं, परंतु उनको दुनिया का सबसे जास्ती पतित शरीर मिलता है। फिर अंतर क्या है उन धर्म पिताओं में और परम पिता में? क्या अंतर है? हैं? वो धर्म पिताएं जिन पतित शरीरों में आते हैं उनको और ही पतित बनाते जाते हैं जन्म जन्मांतर। और शिव बाबा जिस पतित शरीर में आते हैं उसको सबसे जास्ती पावन बनाकर जाते हैं। कहते हैं मैं बड़े से बड़े कामी कांटे पतित शरीर में आता हूं और उसको दुनिया का बड़े से बड़े फूल किंग फ्लावर बना करके जाता हूं। तो कितना अंतर हो जाता है। और बाप के घर के बच्चे नहीं है। बाप जिस घर में रहते हैं, बाप जिस घर में रहते हैं, जिस परिवार में आते हैं, वो परिवार परिवार कहा जाएगा या सन्यासियों का जंगल कहा जाएगा? तो परिवार में जो कुमार कुमारी होते हैं वो प्रवृत्ति मार्ग में कहे जाएंगे, माँ बाप के बच्चे कहे जाएंगे या सन्यासी की परवरिश लेने वाले कहे जाएंगे? तुम अभी तक क्या समझते थे अपन को? और हम छोटे छोटे बच्चे बाबा की सेवा के लिए फरुखाबाद और विभिन्न सेंटर में जा सकते हैं कि नहीं सकते? ये किसने कहा कि छोटे जा नहीं जा सकते हैं, बड़े ही जा सकते हैं? है छोटे वो हैं जिनमें ज्ञान कम है और बड़े वो हैं जिनमें ज्ञान ज्यादा है। तो शरीर छोटा है, शरीर छोटा हुए तो होते हुए भी अगर ज्ञान की टिकुलू टिकुलू जास्ती करता है तो बाप का बड़ा बच्चा है छोटा बच्चा है? बड़ा है। और
संगमी लक्ष्मण के चित्र में नीचे राधा कृष्ण ने उसका पैर खड़ा हुआ नहीं दिखाया कि है? हाँ खड़ा हुआ नहीं दिखाया क्यों? संगम युग में जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है नीचे वाले में, उसके नीचे राधा कृष्ण खड़े हुए हैं, उन राधा कृष्ण को कैसा नहीं दिखाया? खड़ा हुआ नहीं दिखाया। अच्छा एक टांग ऊपर उठा के खड़े हुए कृष्ण नहीं दिखाया है, वो सतयुग का कृष्ण है या संगम युग का कृष्ण है? ऊपर लक्ष्मी नारायण खड़े हैं, वो लक्ष्मी नारायण संगम युग के प्रकाश की दुनिया में खड़े हैं या सतयुग में खड़े हैं? वो संगम युगी लक्ष्मी नारायण है। उन संगम युगी लक्ष्मी नारायण से जो बच्चे सतयुग में पैदा होंगे वो प्रकाश की दुनिया होगी, ज्ञान के रोशनी की दुनिया होगी या बुद्धुओं की दुनिया होगी? देवताएं बुद्धू होते हैं, उनकी बुद्धि में तो ज्ञान होता नहीं है। भविष्य में क्या होने वाला है, पास्ट की दुनिया में क्या हो चुका है वो जानते हैं? वो तो नहीं जानते, ये तो हम बच्चे जानते हैं। तो लक्ष्मी नारायण है संगमयुगी प्रकाश की दुनिया के, और नीचे जो राधा कृष्ण खड़े हुए हैं वो सतयुग के बच्चे हैं। वो सतयुग के राधा कृष्ण की कोई हिस्ट्री, कोई यादगार, कोई गायन पूजन, कोई मंदिर द्वापर में बनते हैं क्या? कि संगम युग राधा कृष्ण की यादगार बनती है? जो संगम युग में राधा कृष्ण संपूर्ण बनते हैं उनकी यादगार है मंदिरों के रूप में, मूर्तियों के रूप में, पूजा के रूप में। सतयुग के राधा कृष्ण की कोई हिस्ट्री किसी के पास नहीं है, इसलिए सतयुग के राधा कृष्ण तो देवताएं हैं। देवताओं को डांस करने की क्या दरकार है? है वो देवताएं, कृष्ण जो सतयुग का देवता है वो क्या वहां ज्ञान की मुरली बजाएगा? है ज्ञान की मुरली नहीं बजाएगा, ज्ञान का डांस भी नहीं करेगा। इसलिए उनको दो पैरों पर खड़ा हुआ दिखाया गया है डांस करते। ज्ञान डांस जब डांस करते हैं तो पांव ऊपर उठे हुए होते हैं कि नहीं? है एक पांव ऊपर उठता है, एक पांव नीचे गिरता है, या दोनों पांव ऊपर उठा देते हैं? दोनों पांव, थोड़ी देर, एक सेकंड के लिए, फिर नीचे। तो वो यादगार जो है वो संगम युग की यादगार कृष्ण की दिखाई गई है एक पांव ऊपर उठाए हुए। वो सतयुग के राधा कृष्ण की यादगार नहीं है, इसलिए चित्र में लक्ष्मी नारायण में ऐसा दिखाया गया। और बाबा अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, बाबा कहते हैं भाड़ माने क्या होता है? भाड़ माने हेल, हेल माने नरक। उनको फोड़ना माने क्या? फोड़ना माने खत्म करना, नरक की दुनिया को भस्म करना। भाड़ है उसमें लकड़ी कचरा फेंका जाता है तो अंदर से खूब जलता है। अब उसको कोई घन लगा करके लोहे का फोड़ ही डाले तो आग खत्म हो जाएगी कि रह जाएगी? है अरे आग जलती रहेगी या खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो ये दुनिया भी नरक है, हेल है, भाड़ है। इतनी बड़ी दुनिया, इसको खत्म करने का काम एक आत्मा का नहीं हो सकता, भले वो शिव बाबा की ही आत्मा क्यों न हो। बच्चों का सहयोग लिए बगैर इस हेल को भगवान भी समाप्त नहीं कर सकता। और चना के साथ भेद क्यों किया है? अकेला चना बोलते हैं ना, चना माने आत्माएं। आत्माओं को जो देह अभिमान वाली हैं उनका देह अभिमान खत्म कर दें और शांति धाम में पहुंचा दें, ये काम एक का नहीं हो सकता। इसके लिए
वायुमंडल बनाना पड़ेगा, ऐसा शुद्ध वायुमंडल बनाना पड़ेगा जिसमें देह भान छोड़ने वाली आत्माएं परम धाम पहुंच सके। जिनका देहवान नहीं टूटता है उनका देहवान इसी दुनिया में भस्म होगा, जिनका देहवान टूटता है वो आराम से शांति धामवासी बन जाएंगे, लेकिन संगठित याद से ही बनेंगी। क्या बहुत से बाबा के बच्चे ऐसे हैं जो क्लास करना ही छोड़ देते हैं, क्लास माने संगठन, संगठन को ही छोड़ देंगे तो एक दिन माया उनको पूरा ही हप कर जाएगी। इसलिए संगठन में जरूर जाना है, ऐसे नहीं कि ईश्वरीय संगठन का ही इतना महत्व है। दुनिया में हम देखते हैं कोई धर्म ऐसा है जिसका संगठन बहुत पावरफुल है, है? इस्लाम धर्म आज भी ऐसा है, जहां दुनिया के जास्ती से जास्ती तादाद के लोग काबा में इकट्ठे होते हैं। इसलिए विधर्मियों के बीच, विदेशियों के बीच हिस्ट्री में एक ही ऐसा धर्म है जिसने सारी दुनिया पर राज्य किया है। अंग्रेजों का राज्य तो अभी 100-200 वर्षों के अंदर हुआ, हिस्ट्री में लंबे समय तक दुनिया में अगर किसी ने राज्य किया है तो इस्लाम धर्म वालों ने किया है, मुस्लिम धर्म वालों ने। कौन सी शक्ति ने काम किया? उनकी संगठन शक्ति ने काम किया। उनके पास तो ईश्वर की शक्ति नहीं थी, आत्मिक शक्ति थी। इब्राहिम आत्मा ही तो था, परम पिता परमात्मा की आत्मा थोड़े ही कहेंगे। और हमारे साथ तो कौन है? परम पिता परमात्मा की शक्ति है, परंतु अगर उस शक्ति का दुरुपयोग करेंगे कि हम घर में ही बैठ करके मुरली पढ़ लेंगे तो ये दुरुपयोग हो गया। भगवान आया है तो भगवान के क्लास का महत्व है। तीन प्रकार की भगवान की वाणी तीन प्रकार से कार्य करती है। फर्स्ट क्लास वाणी, सेकंड क्लास वाणी और थर्ड क्लास वाणी। थर्ड क्लास वाणी वो है जो कागज में पढ़ी जाती है और कागज से सुनी जाती है। सेकंड क्लास वाणी वो है जो टैप रिकॉर्डर से सुनी जाती है या वीसीडी से सुनी और देखी जाती है, वो सेकंड क्लास है। और फर्स्ट क्लास वाणी वो है जो भगवान सन्मुख आकर के वाणी चलाते हैं। सन्मुख में और टैप रिकॉर्डर में क्या अंतर होगा? है, सन्मुख जो वाणी सुनेंगे उसमें सुप्रीम टीचर की दृष्टि भी मिलेगी, दृष्टि के साथ चैतन्य वाइब्रेशन भी मिलेगा, लेकिन वो चैतन्य वाइब्रेशन टीवी में नहीं मिलेगा। जड़त्व वाइब्रेशन मिलेगा लेकिन चैतन्य नहीं मिलेगा।
तो बड़ा भारी अंतर पड़ जाता है। और बाबाजी मुरली में कई बार कह रहे हैं कि ड्रामा जू मिशल चलती है, जू मिशल चलती है। हाँ, जू मिशल चलती है, इसका अर्थ क्या है? सर के अंदर जू होता है ना कीड़ा, वो धीरे धीरे चलता है या तेज चाल से चलता है? ऐसे ही ये ड्रामा की जो सुई है वो टिक 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 सेकंड बाय सेकंड धीरे धीरे चलती है। हम कितनी भी तीखी याद करें और चाहें कि ड्रामा की सुई जल्दी जल्दी घूम जाए, लेकिन ऐसे नहीं होगा। ड्रामा की सुई तो अपने चाल से ही चलेगी। हाँ, हम चाहें तो अव्यभिचारी याद में टिक करके लंबे समय टिकने का अभ्यास करके अपने पाप कर्मों को तीव्र गति से भस्म कर सकते हैं, लेकिन ड्रामा तो अपने चाल से ही चलेगा। और दादा ने मुरली में बोला है देवी देवता से भी बड़ी पावर असुर में होती है, मतलब देवी देवता आत्मा से भी बड़ी पावर असुर में होते हैं। हाँ, दुनिया में भी जो बच्चा माँ बाप से पहले जन्म लेता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, या जो बच्चे बाद में जन्म लेते हैं, छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, बड़े बच्चे ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसलिए हिस्ट्री में जितने भी राजाएं हुए हैं उन राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को राजाई की पावर दी है, छोटे बच्चों को नहीं दी है। क्यों? क्यों? प्योरिटी, क्योंकि बड़ा बच्चा लंबे समय की प्योरिटी इकट्ठी करके, माँ बाप लंबे समय की प्योरिटी की पावर इकट्ठी करके पहले बच्चे को जन्म देते हैं, इसलिए बड़ा बच्चा ज्यादा पावरफुल होता है। तो भगवान भी जब आते हैं तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म असुर पहले लेते हैं या देवताएं पहले प्रत्यक्ष होते हैं? पांडव दुनिया में पहले प्रत्यक्ष होते हैं, अपने को प्रत्यक्ष करते हैं, या आसुरी बच्चे अपने को पहले प्रत्यक्ष करते हैं? जो आसुरी बच्चे होते हैं वो बाप को एक किनारे रख देते हैं, हैं? और अपनी प्रत्यक्षता में लग जाते हैं, मेरा संसार में नाम बाला हो जाए, भगवान को उठा के एक किनारे रख देंगे, भगवान की वाणी पर ध्यान नहीं देंगे, हैं? मेरी बात मानो, मेरी बात मानोगे तो मेरी बात श्रीमत है, भगवान तो चला गया, अब मालिक मैं हूं। तो इनको आसुरी बच्चे कहेंगे या अच्छे बच्चे कहेंगे? दुनिया में भी एक ऐसे बच्चे होते हैं जो बाप का नाम बाला करने में लगे रहते हैं, अपना नाम पीछे कर देंगे, कंपनी का नाम भी डालते हैं तो कैसे डालते हैं? रामचंद्र एंड संस, बाप का नाम रामचंद्र पहले कर दिया और बच्चों का नाम पीछे कर दिया। तो जो बाप का नाम बाला करने में लगे रहते हैं, माँ बाप का नाम बाला करते हैं, वो हैं देवताई बच्चे, देवताई परंपरा को मानने वाले, उनको पांडव भी कह सकते हैं। पांडव दुनिया में गुप्त होकर के घूमते थे कि अपने को प्रत्यक्ष करते थे, गुप्त होकर के रहते थे।
भगवान को प्रत्यक्ष करते थे, अपने को गुप्त करते थे। तो शिव बाबा भी इसी दुनिया में आता है, ब्राह्मणों को जन्म देता है। तो जो ब्राह्मण ईश्वरीय सेवा पर तो उतरते हैं, परंतु अपना नाम बाला कर देते हैं और भगवान को गुप्त कर देते हैं, भगवान है ही नहीं। अरे भगवान ब्रह्मा के तन में आया था, वो तो चला गया, अब तो नई दुनिया स्वर्ग बनाने वाले हम हैं, जैसे हम चलाएं वैसे चलो। उनको कहते हैं आसुरी बच्चे। और पांडव अपने को गुप्त रखते हैं, सेवा तो करते हैं, लेकिन अपनी सेवा को, अपने को, अपने पुरुषार्थ को, अपने दान को, अपने पुण्य को, अपने मान मर्तव्य को गुप्त रखते हैं। और बाप को, बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। पांडव कहते हैं बाप प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर आया हुआ है। और असुर क्या कहते हैं? आसुरी कुंभकर्ण रावण जैसे ब्राह्मण क्या कहते हैं? हम ही भगवान हैं, हम ही शंकर हैं, कोई दूसरा भगवान होता ही नहीं। हम ही शंकर के रूप में शिव के साथ रहने वाले शिव शंकर भोलेनाथ हैं। अपने को भगवान के समान प्रत्यक्ष कर देते हैं, अर्थात भगवान को सर्वव्यापी बना देते हैं। तो जो बड़े बच्चे होते हैं वो पावरफुल होते हैं, और छोटे बच्चे पावरफुल होते हैं कि कमजोर होते हैं? अभी प्रैक्टिकल में देख लो, भगवान आया हुआ है, ब्राह्मण बच्चों की पैदाइश हो रही है, जो पांडवीय बच्चे हैं वो मुट्ठी भर हैं कि ज्यादा हैं? पांडवों को उंगलियों पर गिन सकते हैं, पांच उंगलियों पर मुट्ठी भर बच्चे हैं। उनकी ताकत दुनिया में ज्यादा देखने में आती है या 100 कौरवों की ताकत ज्यादा देखने में आती है? है? पांडव से जैसे इस दुनिया में है ही नहीं, उनको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। और कौरवों को, यादवों को जैसे सारी दुनिया के ऊपर राज्य कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो आसुर उनको कहा जाता है जो मां बाप के सुर में सुर मिलाकर नहीं चलते हैं। आ माने नहीं, सुर माने सुर, सुर में सुर मिला के नहीं कर चलेंगे। भगवान ने मुरली में कुछ बोला होगा और वो प्रैक्टिकल में कुछ और ही करेंगे, भगवान वेदवाणी में कुछ और ही बोलता है, वो कुछ और ही बातें बोलेंगे, भगवान कुछ और कर्म करने के लिए बोलेंगे, वो कुछ और ही कर्म करेंगे। माने सुर में सुर मिलाकर नहीं चलते हैं, वो हैं असुर। लेकिन वो बड़े बच्चे हैं, भगवान के तो सब बच्चे हैं, लेकिन अंतर क्या है? असुर हैं बड़े बच्चे और सुर हैं छोटे बच्चे। तो दुनिया में भी मां बाप छोटे बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं या बड़े बच्चों को ज्यादा प्यार करते हैं? हैं? छोटे को ज्यादा प्यार करते हैं। तो भगवान पांडवों को जास्ती प्यार करता है, उनको प्यार करता है तो याद भी करता होगा कि नहीं? जिसको प्यार होता है उसको उसकी याद भी आती है, याद से शक्ति मिलती है। तो छोटे बच्चों को भगवान की जास्ती शक्ति मिलती है और असुरों को उतनी शक्ति नहीं मिलती है। और बाबा ये
ब्रह्मा जी को सारा संसार में इतनी प्रचार हो रहे हैं, ब्रह्मा जी को इतनी प्रचार हो रहे हैं, वर्मा का इतनी बयान करते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा भी स्थान क्यों नहीं मिला? किसको? ब्रह्मा जी। बाबा मुरली में हमेशा कहते थे, बच्चे मेरी दाढ़ी की लाज रखना, भगवान के तीन ही बड़ल्ले बच्चे हैं, कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। विष्णु और शंकर की तो दुनिया में लाज रखी गई बहुत, बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी हुई हैं, उन मूर्तियों की बहुत याद करते हैं, मूर्तियां बनाकर। मूर्तियां भी बनती हैं, मंदिर भी बनते हैं, याद भी बहुत करते हैं। और ब्रह्मा की? ब्रह्मा की याद भी नहीं करते, मूर्तियां भी नहीं बनती, मंदिर भी नहीं बनते, इस बात से क्या साबित होता है कि ब्रह्मा के दाढ़ी की लाज बच्चों ने नहीं रखी? जो अपने को ठोक ठोक के कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार हैं, दुनिया के सामने छाती ठोक के कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार हैं, तुम कोई नहीं हो। कहते तो हैं लेकिन कर्म अंदर अंदर ऐसे करते हैं जिससे ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रही। मुख से कहते हैं हम पवित्रता को पालन करते हैं, जो पवित्रता को पालन करने वाले हैं वो रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलेंगे कि जिस्मानी हॉस्पिटल खोलेंगे? हैं? ब्रह्मा जब तक इस दुनिया में जीवित रहे उन्होंने रूहानी हॉस्पिटल ही खोले कि जिस्मानी हॉस्पिटल भी खोले? हैं? रूहानी हॉस्पिटल ही खोले। लेकिन जो आसुरी ब्राह्मण बच्चे हैं रावण कुंभकर्ण जैसे, उन्होंने ब्रह्मा बाप को फॉलो नहीं किया, उन्होंने अपने पाप कर्मों को छुपाने के लिए जिस्मानी हॉस्पिटल भी खोल लिए। क्या जो जो प्रेग्नेंट होते जाएं जिस्मानी हॉस्पिटल में चले जाएं, खुला हुआ है, उनकी सुरक्षा होगी, उनका नाम बदनाम नहीं होने देंगे। अब जिस्मानी हॉस्पिटल की क्या जरूरत? दुनिया भी गुरु लोगों ने दुनिया भी हॉस्पिटल खोले, जो रूहानी गुरु है, रूहानी बाप है, जो कहते हैं रूह का सुधार होगा तो सारी दुनिया का सुधार हो जाएगा, वो जिस्मानी हॉस्पिटल क्यों खोलेगा? अपनी कमियों को छुपाने के लिए, पापों को छुपाने के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं। और बाबा करते हैं अंतिम के पर आएगी को तो क्या आप तो जन को भी नहीं छोड़ेगी, गिराकर ही खड़ेगा, गिरना ही है तो फिर विश्वास से क्या आएगा? माया जो लड़ाई लड़ती है भगवान के बच्चों से, वो 63 जन्म में लड़ाई लड़ती है या इस अंतिम जन्म में लड़ाई लड़ती है? है? 63 जन्म में तो माया को हम जानते हैं तो लड़ेंगे कहां से? दुश्मन को हम जानेंगे तभी तो लड़ाई लड़ेंगे। माया की भी पहचान हमें बाप देते हैं और अपनी भी पहचान हमें बाप देते हैं। ये लड़ाई माया की इसी संगम युग में होती है और संगम युग में 5000 वर्ष की शूटिंग होती है। 5000 वर्षों में
माया का सबसे तीखा युद्ध कौन से जन्म में होता है? आखिरी जन्म में। तो शूटिंग पीरियड में माया का आखिरी पेपर, आखिरी बड़े से बड़ा युद्ध अभी हो चुका 70-72 साल में कि होने वाला है? है? होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। तो माया भी सर्वशक्तिवान है और बाप भी सर्वशक्तिवान है, दोनों को समान क्यों कर दिया है? क्या कारण है? है? नहीं, इसलिए समान कर दिया कि जितने भी बच्चे हैं भगवान के, एक माया बेटी को छोड़ करके कोई भी बुद्धि से पूरे सरेंडर नहीं होते। सिर्फ एक बच्चे को छोड़ के, जिस बच्चे में बाप प्रवेश करते हैं, सब माया से माया की आखिरी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। तो जो आठ कहे जाते हैं वो भी नंबरवार फेल होते हैं या नहीं होते हैं? है? वो भी नंबरवार फेल होते हैं। माया किसी को नहीं छोड़ती। अब कोई कहे राम वाली आत्मा को छोड़ती है कि नहीं छोड़ती है? है? छोड़ती है या नहीं छोड़ती है? नहीं छोड़ती। फाइनल पेपर में नहीं छोड़ती या पूर्वजन के पेपर में नहीं छोड़ती? है? पूर्व जन्म में जो पेपर हुआ है उसमें माया ने राम वाली आत्मा को पहले ही फेल कर दिया था। और फेल तो सब होते हैं, माया किसी को फेल होने से छोड़ देती क्या? राम वाली आत्मा को पहले ही फेल कर दिया। तो सबसे जास्ती अनुभवी कौन बन गया? राम वाली आत्मा अनुभवी बन गई। इसलिए फाइनल पेपर में राम वाली आत्मा फेल नहीं होती, क्योंकि डायरेक्ट बाप बाप के रूप में प्रवेश करके पार्ट बजाता है, बाकी सब फेल हो जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं समझना है कि फेल तो होने ही हैं तो पुरुषार्थ क्यों करें। अरे फेल होंगे तो आखिरी जन्म में फेल होंगे, आखिरी जन्म की शूटिंग में फेल होंगे, या 5000 वर्ष की जो भी शूटिंग होती है संगम युग में, हमेशा फेल ही होते रहेंगे। है? आखिरी जन्म में नंबर वार फेल होने की लिस्ट है। कोई पहले ही फेल होने लगेंगे और लंबे समय तक फेलियर की लिस्ट में रहेंगे, कोई जल्दी आकर के फेलियर की लिस्ट से क्रॉस हो जाएंगे, बाप को पहचान लेंगे, और जो जिस नंबर से बाप को पहचानते जाएंगे वही नंबर उनका माला में फिक्स हो जाएगा। तो पुरुषार्थ करना अच्छा है या नहीं है? अच्छा है। जितना हम जास्ती पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा नंबर माला में आएंगे। तो ऐसे नहीं कि फेल तो सब होने ही है तो हम पुरुषार्थ क्यों करें। फेल तो होने हैं, लेकिन कोई फेल पहले हो जाएंगे और कोई फेल
लास्ट घड़ी में होंगे, थोड़े समय के लिए फेलियर की लिस्ट में आवेंगे, और जब बाप प्रत्यक्ष होगा तो फट से बाप को पहचान लेंगे, नजदीक पहुंच जाएंगे। और इसी समय में होता है, कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके संगम युग में दो तीन जन्म भी होते हैं, तो एडवांस पार्टी में आने वाले बच्चों के दो जन्म होते हैं या एक ही जन्म होता है? एडवांस पार्टी में जो भी आते हैं मोस्टली उनके कितने जन्म होते हैं? दो जन्म होते हैं, कोई कोई के तीन जन्म भी हो सकते हैं। और हाँ, जिसी से एडवांस में जब आते हैं, किसी से एडवांस ज्ञान में आते हैं, कौन बेसिक से एडवांस एडवांस में जब आते हैं, हाँ, ऐसे ब्रह्म कुमार लोग बैठे हैं, तब भी शादी करते हैं, है ना, हमारा ड्रामा ही ये सब बोलता है। तो बेसिक से एडवांस पर जो आए ना बच्चे लोग, हाँ, तो शादी कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं एडवांस में आके, हाँ, हमारा ड्रामा पार्टी ऐसा बोलता है, ये मत है, वो तो है, जिन्होंने बेसिक में ही शादी कर ली उनका भी ड्रामा में पार्ट ऐसा ही है, और बेसिक से एडवांस में आकर के जिन्होंने शादी कर ली उनका भी ड्रामा में पार्ट ऐसा ही कहेंगे। बाबा दोनों में शादी करते हैं तो उसका है, जो ऊंचा ज्ञान लेके शादी करे और जो थोड़ा सा ज्ञान लेकर के शादी करे, तो ज्यादा पापी कौन है? जो बहुत ज्ञान लेने के बावजूद भी फिर भी शादी कर ले तो वो तो बड़ा पापी हो गया। बेसिक में चलते चलते वो शादी करते हैं वो उतने बड़े पापी नहीं है, बेसिक में तो भगवान बाप को किसी ने पहचाना है, वहां तो पहचाना ही नहीं, पहचान करके जो उल्टा काम करे उनके ऊपर 100 गुना पाप का बोझा है, या बिना पहचाने जिन्होंने उल्टा काम कर लिया उनके ऊपर पाप का बोझा ज्यादा है? हाँ, ये कहेंगे कि 63 जन्मों में जितना बोझा चढ़ता था उसके मुकाबले बेसिक वालों के ऊपर जास्ती बोझ है, लेकिन एडवांस में आकर के जिन्होंने पाप कर्म कर लिया उनके ऊपर तो 100 गुना बोझा चढ़ता है। और फिर किसी को देख किसी की शादी करी है तो एक ने एडवांस में आकर शादी कर ली पहले, फिर और को आकर उसको देख के शादी कर रहा है तो क्या किया शादी, दूसरे भाई ने भी उसको देखा से देख कर उसका पपी कर शादी किया तो क्या होगा? उसका फॉलोअर बन जाएगा, उसका बाल बच्चा बनेगा। और बाबा, हाँ, लक्ष्मी नारायण दास का जिनका जीवन पंडर रहना वही प्रवृत्ति मार्ग है, और प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं, फिर जो निकल रहते हैं, है? निकल रहते हैं ना, अकेले कहाँ रहते हैं? अभी तो भाई ने पूछा, हाँ, निकल रहने वालों को बाबा ने कहते हैं सन्यासी, सन्यासी कहते हैं। एडवांस में जितने आते हैं वो सब प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं या निवृत्ति मार्ग वाले हैं? एडवांस में बाप आते हैं, बाप प्रवृत्ति में पार्ट बजा रहा है या निवृत्ति में पार्ट बजा रहा है? बाप की बेहद की प्रवृत्ति है या हद की छोटी मोटी प्रवृत्ति है? बेहद की प्रवृत्ति है, तो बेहद की प्रवृत्ति में कोई अकेला हो सकता है? कोई अकेला हो सकता है? नहीं, अकेले होने की तो यहां बात ही नहीं है। अगर अकेला आकर अपन को समझता है इसका मतलब उसने जाना ही नहीं है कि बाप प्रवृत्ति मार्ग में आते हैं। देखो, बेसिक में जब मुरली चलती थी तो बाबा मुरली में बोलते थे अंदर वाले रह जावेंगे बाहर वाले ले जावेंगे,
बोलते थे कि नहीं, अंदर वाले माने सरेंडर्ड, अंदर वाले माने सरेंडर होकर जो अंदर आश्रम में रहते थे वो रह जावेंगे और बाहर वाले भगवान से बाप से वर्षा ले जावेंगे। तो एडवांस पार्टी जब शुरू हुई 76 में, जब बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, तो ये रिजल्ट आया या नहीं आया है? बेसिक में जितने भी सरेंडर थे वो फेल हो गए या पास हुए है? फेल हो गए। क्यों फेल हुए? निवृत्ति मार्ग वाले थे या प्रवृत्ति मार्ग वाले थे? निवृत्ति वाले थे। आज भी निवृत्ति मार्ग वाले हैं। और जो बाहर गृहस्थ में रहने वाले थे, घर गृहस्थ में रहने वाले, पुरुषार्थ करने वाले थे, वो यहां सारे ही बैठे हुए हैं। अभी कोई यहां ऐसा बैठा हुआ है जो बेसिक में चलने वाले निवृत्ति मार्ग वालों में से वो है? कोई नहीं है, सब प्रवृत्ति के हैं। तो बाप आते ही हैं प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने। ब्रह्मा द्वारा निवृत्ति मार्ग स्थापन होता है। निवृत्ति मार्ग वाले धर्मों का फाउंडेशन पड़ता है। निवृत्ति मार्ग वाले जितने भी धर्म के कन्वर्टेड होने वाले ब्राह्मण हैं, वो सब ब्रह्मा की गोद में जन्म लेकर के उन्होंने पालना ली है। जो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के थे वो तो यज्ञ के आदि में ही छोड़ करके चले गए, वो सब यहां आकर के जन्म लिया है, अभी भी प्रवृत्ति मार्ग में है। इसलिए भगवान बाप आते ही हैं प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने। गीता में अर्जुन को जो ज्ञान दिया है वो अर्जुन प्रवृत्ति मार्ग वाला था या निवृत्ति मार्ग वाला था? प्रवृत्ति वाला था। बाप कहते हैं एक अर्जुन की बात नहीं है, तुम सब अर्जुन हो, पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले हो। प्रवृत्ति मार्ग में रह करके नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी जैसे प्रवृत्ति मार्ग वाले देवता बनने वाले हो। जो जाए वो बंद। हाँ, झूठ कहते बाबा? झूठ कहते कि सच्चा कहते? सच्चा कहते होंगे। हाँ, अरे उसकी बात का जवाब तो लेने दो, नहीं तो वो कल कहेगा हम पूछने वाले थे, इन्होंने बीच में हवाई लोरा डाल दिया। हम तो पूछने वाले थे कि अगर ये बात सच्ची है कि बाबा कुमारों को ये वरदान देते हैं स्पेशल कि कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं, विश्व की बादशाही लेना चाहें जो दुनिया में कोई भी हिटलर नेपोलियन ने नहीं ले पाई, वो विश्व की बादशाही कुमार ले सकता है। और इतनी बड़ी दुनिया को विनाश करने वाला भी साबित हो सकता है, जो दुनिया में कोई भी धर्म पिता, महान ते महान ग्रेट फादर्स भी नहीं कर पाए, वो काम कुमार कर सकता है। अगर ये बात सच्ची है तो इसका प्रूफ क्या है? अरे बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान लोग मानते हैं, तो कोई प्रूफ भी होगा या नहीं होगा? क्या प्रूफ है? हाँ, जो राम वाली आत्मा है उसके पार्ट से ये साबित हो जाता है कि 76 में जब बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, उस समय राम वाली आत्मा कुमार थी या शादीशुदा थी? और 76 में ही नारायण का जन्म साबित होता है, हद का जन्म साबित होता है कि बेहद का जन्म साबित होता है?
है, बेहद का जन्म साबित होता है। तो ये साबित हो गया कि संक्षेत्र से ही बाप आए तो कोई सनत कुमार का टाइटल लेने वाला कुमार है जो दुनिया में भक्ति मार्ग में ज्ञानेश्वर के रूप में गाया हुआ है, ज्ञानियों का ईश्वर और योगेश्वर के रूप में गाया हुआ है, योगियों का ईश्वर। वो योगियों का ईश्वर ही संसार में शंकर के चित्र के रूप में पूजा जाता है। वो ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण है या कोई दूसरे धर्म का है? शंकर को ब्राह्मण के रूप में दिखाते हैं या दूसरे धर्म के रूप में दिखाते हैं? जनेऊ दिखाते हैं कि नहीं है? जनेऊ दिखाते हैं, माने वो ब्राह्मण कुमार था 76 में और ब्रह्मा का सबसे बड़ा पुत्र सनत कुमार गाया हुआ है, जिसके नाम पर सनातन धर्म की स्थापना होती है, जैसे बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म, क्राइस्ट के नाम पर क्रिश्चियन धर्म, ऐसे ही सनत कुमार के नाम पर सनातन धर्म की स्थापना होती है। ब्रह्मा का नाम तो ब्रह्मा के कोई कुमार निकले जिन्होंने डुबो दिया, लेकिन कोई ऐसा कुमार भी निकला जिसने नाम डूबने नहीं दिया पूरा। शास्त्रों में कम से कम ब्रह्मा का नाम तो गाया जाता है कि नहीं गाया जाता? नाम तो गाया जाता है। तो साबित हो जाता है कि कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। अभी भी कुमारों को हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है कि ये तो बात एक के लिए लागू होती है, सब कुमारों के लिए थोड़ी लागू होती है। नहीं, अंत में भी ऐसा निकलेगा। क्या गायन है? आदि में सो अंत में। आदि जो में जो ऐसे कुमार निकले एडवांस के आदि में, तो अंत में भी ऐसे कुमार निकलेंगे कि वो करके दिखाएंगे जो दुनिया में कोई ने नहीं करके दिखाया। और देवता का इच्छा मरण होता है, देवताओं का इच्छा मृत्यु। यहाँ से ही तो यादगार शुरू होती है, सतयुग की कोई यादगार नहीं है। यहाँ पुरुषार्थ करते हैं, जब चाहेंगे तब हम शरीर छोड़ेंगे, नहीं चाहेंगे तो दुनिया में कितना भी विनाश होता रहे, हम शरीर छोड़ने वाले नहीं हैं। यहाँ ये प्रैक्टिस पक्की करनी है। क्या कछुए का मिसाल यहाँ का है कि जब चाहें तब हम इंद्रियों को सिकोड़ के बैठ जाएं, माया हमारे ऊपर बार न कर सके, जब चाहें तब हम इस शरीर रूपी वस्त्र को त्यागें, न चाहें तो कर्म इंद्रियों से कर्म भी करते रहें। ऐसी कर्मेंद्रियां कंट्रोल में हो जाएं, चाहें तो कर्मेंद्रियों से कर्म करें और न चाहें तो न करें। और बाबा ये 8% की जो 8% की जो बात आई रहा है, हाँ, 8% की बात है, हाँ, सेवा किस तरह से जाने के लिए उचित होगा, पर्सनल जाने के लिए उचित होगा, टीम बना के जाना है अच्छी रहेगी। तो ये 8% की बात चल रही है अभी, हाँ, इसको किस तरह से जाने के जाना अच्छा होगा, सिंगल जाना अच्छा होगा सेवा के फील्ड में?
कोई सेवा हम बाप को साथ लेकर के बाप की याद में अकेले करेंगे तो हमको उजूरा ज्यादा मिलेगा या औरों का सहयोग मांग करके चलेंगे? क्योंकि मुरली में बोला है मांगने से मरना भला, तो हमको ज्यादा उजूरा मिलेगा है? भीख मांग के भक्ति करना ज्यादा अच्छा है या हमारा साथ कोई भी न दे तो तू अकेला चलो रे? ये ज्यादा अच्छा है, हैं? हम अच्छे काम करने के लिए हमने कदम बढ़ा दिया, अब जिनकी समझ में आता है वो सहयोग करे, नहीं समझ में आता है तो सहयोग नहीं करे। जो सहयोगी होगा सो योगी कहा जाएगा, सहयोगी सो योगी। और ईश्वरीय कार्य में सहयोग नहीं करेगा तो वो बड़ा योगी नहीं कहा जाएगा। हाँ ये जरूर है, जो पहले कदम बढ़ाता है उसका हिस्सा ज्यादा बनता है, या जो पीछे पीछे बाद में कदम बढ़ाते हैं उनका ज्यादा हिस्सा बनता है? है जो पहले कदम बढ़ाता है उसका ऊंचा हिस्सा बन जाता है। अब वो पहले वाला कदम बढ़ा के उसका कदम रुक जाता है, उसका आगे बढ़ता है, इसका ज्यादा बढ़ता है। कदम उसका रुकेगा जो बाबा का साथ लेते लेते दूसरों के ऊपर आधारित हो जाएगा। जिसको एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, दूसरे का भरोसा नहीं है, दूसरे की आस नहीं है, दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है, सब धोखेबाज हैं। किसका आसरा लेके चल रहे हैं? हमने बाबा को पहचाना है या नहीं पहचाना है? अरे मुंह भाई गए तो बोलते ही नहीं हाँ या ना। बाबा को पहचान लिया, पहचान लिया तो बस बाबा की हमें आस है, बाबा का विश्वास है, बाबा का साथ है, हमें दूसरों की परवाह नहीं है। बाबा इसी बात पर आने के पर होगा निश्चय, बाबा के प्रति निश्चय और अनिश्चय। अनिश्चय जिनको आएगा वो ही छोड़ेंगे बाप को। तो पहले पहचान लिया फिर उस टाइम जाके फिर हाँ माया की परी, माया की परीक्षा ही ऐसी सख्त होगी। हिसाब उसका ये है, जो अभी के पुरुषार्थी जीवन में ज्यादा अनिश्चय निश्चय में आता है वो अंत में भी जरूर आ जाएगा। जो अभी ज्यादा दृढ़ निश्चयी होकर के रहता है तो अंत में भी ज्यादा लंबे समय तक दृढ़ निश्चयी बन करके रहेगा। और माया बाबा, जो माया सर्वशक्तिमान के बाप भगवान जैसे सर्वशक्तिमान, इसका बेस है माया, इसका बेस इसका आधार ये है माया का, कि माया जब निश्चय बुद्धि बनती है तो पहले सरेंडर होती है। बच्चे निश्चय बुद्धि तो बन रहे हैं लेकिन आज निश्चय बुद्धि बनते हैं और कल कान में किसी ने फूंक दिया, कान फुर्रंस कर दी विदेशी ने विधर्मी ने, तो अनिश्चय आने लगता है। आता है या नहीं आता है? आता है तो मर जाते हैं कि जिंदा रहते हैं? मर जाते हैं, फिर सरेंडर होते हैं तन मन धन से या दूर भाग जाते हैं? दूर भाग जाते हैं। लेकिन माया ऐसा नंबर लेने वाली है कि जब एक बार निश्चय पैदा कर लेगी
फिर पहले वो ऐसा सरेंडर होगी कि कभी भी अनिश्चय बुद्धि नहीं होगी। ऐसा सरेंडर माया पहले होगी, फिर नंबर बार दूसरे बच्चों को होने देगी। तो सर्वशक्तिमान का टाइटल किसका हुआ? माया का हो गया। जगदम्बा भी उस लिस्ट में नहीं आती है। जगदम्बा माने प्रकृति, पांच तत्वों की कंट्रोलर, ऐसी प्रकृति जिसका आधार, जिसका साथ, जिससे हाथ मिलाने के लिए माया को भी आतुर होना पड़ता है। इतनी पावरफुल प्रकृति है। माया सारी दुनिया को भस्म नहीं कर पाएगी और प्रकृति सारी दुनिया को भस्म कर देगी। माया चैतन्य बुद्धि है और जगदम्बा प्रकृति जड़त्वमयी बुद्धि वाली है। माया अभी भी भगवान को पहचानती है। रावण भगवान को पहचानता था कि नहीं पहचानता था? पहचानता था। तो माया अंदर से भगवान को पहचानती है, जानती है, लेकिन तुमको नहीं सरेंडर होने देगी। क्या जानती तो है कि ये भगवान का रूप है, लेकिन देखते हैं तुम पहले कैसे सरेंडर हो जाते हो। तो ऐसी ऐसी परीक्षा लेती है बच्चों की कि बच्चों को निश्चय बुद्धि बनने ही नहीं देती। आखिर उस सरेंडर होने की लिस्ट में खुद आगे नंबर ले लेती है, फिर नंबर बार बच्चे जाते हैं। ओम शांति।